हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम को। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम में कौन कौन से ड्रग्स किससे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एपिसमेल्फिका। ये ड्रग यानी कि हमारी मेडिसिन है जो कि हाइव बी से बनती है। पॉइजन ऑफ हनी बी से ये बनाई जाती है। ठीक है, हाइव बी से ऑप्टेन होती है। ठीक है, स्पाइडर कैटेगरी में क्या क्या आता है? टेरेंटुला क्यूबेंसिस जो कि क्यूबिन स्पाइडर से ऑप्टेन होता है, और टेरेंटुला हिस्पैनिका जो कि स्पेनिश स्पाइडर से ऑप्टेन होता है। ठीक है, स्नैक पॉइजन में लेकिसिस जो कि येलो वाइपर से ऑप्टेन होती है, नाजा जो कि इंडियन हेडेड स्नेक से ऑप्टेन होती है। ये स्नेक पॉइजन की रेमेडी है, स्नेक ग्रुप की रेमेडी है, ये स्पाइडर ग्रुप की हैं और ये हनी भी की है। लीजर्ड पॉइजन से बनने वाली मेडिसिन देखते हैं, हेलियोडर्मा जो कि गिल मॉन्स्टर। ठीक है, ये लीजर्ड कैटेगरी की मेडिसिन है। ठीक है, ये ऑप्टेन होती है गिल मॉन्स्टर से। याद रखिएगा मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट भी आते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो नेम ऑफ द ड्रग लैक वेसिनम जो कि काउ मिल्क से ऑप्टेन होता है, और लैक फेलिनम जो कि कैट मिल्क से ऑप्टेन होता है। ठीक है, एक एक दो दो एग्जांपल याद रखिएगा, सफिशिएंट है। मिनरल किंगडम देखते हैं, मिनरल किंगडम एंड केमिकल्स। इसमें कुछ पांच एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आर्सेनिक, अर्जेंटम, कैल्केरिया, ग्रेफाइटिस, कैम्फोरा। ये सब क्या हैं? मिनरल किंगडम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नोसोर्स देखते हैं। नोसोर्स क्या होता है? ग्रीक वर्ड एक, जो नोसोर्स मतलब डिसीज और इडास मतलब क्या होता है? अपीरियंस। रेमेडी विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिसीज्ड प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग, लोअर एनिमल एंड डिसीज्ड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड नोसोर्स। मतलब कोई भी डिसीज सिक्रेशन होगा, डिसीज्ड प्लांट एनिमल का सिक्रेशन या उसका पार्ट होगा या वो कंप्लीट हो सकता है, तो क्या होगा? वो नोसोर्स होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफ्लिनम, मेडोराइनम और कार्सिनोसिनम। ठीक है, ये हमारे नोसोर्स के एग्जाम्पल हैं। नोसोर्स क्या है? डिसीज पार्ट या डिसीज एनिमल्स का सिक्रेशन होता है, मतलब कि डिसीज्ड होना चाहिए। वो कंप्लीट एनिमल भी हो सकता है, उसका कोई सिक्रेशन भी हो सकता है, उसका कोई पार्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सारकोड्स। सारकोड्स क्या होते हैं? ये हेल्दी सिक्रेशन होते हैं, हेल्दी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हेल्दी ग्लैंड हो सकती है, या हेल्दी सिक्रेशन मतलब इसमें हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मींस फ्लैशी। ठीक है, सारकोड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड एज अ होल, हेल्दी सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एनिमल यानी कि हेल्दी एनिमल्स का सिक्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ग्लैंड एंड टिश्यू, हेल्दी ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, किसी भी एनिमल्स का अगर कोई हेल्दी सिक्रेशन लिया जा रहा है तो क्या आएगा? सारकोड्स होगा। ठीक है, और अगर कोई इन्फेक्टेड या डिसीज्ड सिक्रेशन होगा तो नोसोर्स होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, थायरॉयडनम, पैराथायरॉयडनम और पिनियलिस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारकोड्स कम्प्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग एम्पोंडरलिया। ये क्या होता है? ये एनर्जी मेडिसिन होती है, डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी मेडिसिन होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विच इज़ नॉट वेटेबल। एम्पोंडरलिया में वो आते हैं जिनका कोई वेट नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, एम्पोंडरलिया में क्या आते हैं? जिनका कोई वेट नहीं होता वो आते हैं। ठीक है, जैसे कि लूना मतलब कि ये मून की एनर्जी से बनाते हैं, सोल सन की एनर्जी से। ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। ठीक है, एक्सरे ये आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं एनर्जी। ये जो मेडिसिन है लूना, सोल, ये नेचुरल सोर्स से प्रिपेयर होती है, और एक्सरे आर्टिफिशियल सोर्स है। ये किस कैटेगरी में आती है? एम्पोंडरलिया की कैटेगरी में आती है। तो हमने आज ये सोर्सेज ऑफ द होम्योपैथी ड्रग्स कंप्लीट कर लिया ये चैप्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टर्म में। तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।